सुप्रभात दोस्तों, क्या आपने क्रिकेट के मैदान पे एक जादूगर को देखा है जो स्टंप के पीछे से मैच जिता दे, जो एम्पायर के डिसीजन से पहले डिसीजन सुना दे? हाँ जी, जिसके नाम पे DRS का नाम धोनी रिव्यू सिस्टम हो गया, मैं उसी महेंद्र सिंह धोनी की बात आज करने जा रही हूँ। क्रिकेट के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, पर जब लंबे वालों में रांची के लड़के को क्रिकेट के मैदान पे सिक्स मारते हुए देखा, तब से और आज तक क्रिकेट मेरा फेवरेट है, क्योंकि माँ ही है। माँ ही हो, थाला हो, कैप्टन कूल हो, धोनी हो, कोई भी नाम हो, पर इमोशन तो एक है। धोनी एक नाम नहीं, करोड़ों दिल की धड़कन है। आज मैं उन्हीं महेंद्र सिंह धोनी को एक ट्रिब्यूट प्यारा सा देने जा रही हूँ। जब इंडिया के विकेट्स होते जाते थे और हम लोग ऐसे बैठे होते थे, तो मेरी माँ कहती थी, कोई बात नहीं, अभी धोनी है। धोनी है तो होप है, धोनी है तो सब कुछ है, धोनी है तो मैदान में शोर है, धोनी है तो माँ ही मार रहा है। थैंक यू माही, हर ट्रॉफी हमारी इंडिया को दिलाने दी। थैंक यू माही, इतने लोगों की दिल की धड़कन बनने के लिए। थैंक यू माही, हमें अपनी स्टोरी बताने के लिए। थैंक यू माही, एक अच्छा कैप्टन कूल बनने के लिए। थैंक यू माही, एक इंस्पिरेशन बनने के लिए। थैंक यू माही, उन सब के लिए जो जो आपने हमारे लिए किया है, हमारे देश के लिए किया। थैंक यू एक बहुत छोटा सा शब्द है, हम आपको कुछ भी बोलें वो भी कम है, क्योंकि आपने टीम को वो दिया है जो कोई भी नहीं दे सकता। कैप्टन तो बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, बहुत बनेंगे, बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, बट कैप्टन कूल एक था, एक है और एक ही रहेगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे सीखी कि कैसे भी रिवर्स कंडीशंस हो, कुछ भी हो, अप्स हो, डाउन्स हो, कैसे भी एक स्माइल के साथ सबको एक्सेप्ट करना है। मैंने आपसे सीखा कि लाइफ के सबसे बुरे दिन में पार्टी जरूर करनी चाहिए, ताकि वो बुरा दिन ये याद दिला सके कि अच्छे दिन आने वाले हैं। और मैंने आपसे सीखा कि फैमिली को कैसे मैनेज करते हैं काम के साथ। मैंने आपसे सीखा कि स्टार्डम को कभी हावी नहीं होने देते। मैंने आपसे सीखा कि हमेशा चाहे जैसी कंडीशन हो, कैप्टन कूल कूल रहेगा। मैंने आपसे सीखा कि टीम को मैनेज कैसे करते हैं। मैंने आपसे सीखा कि एक छोटे से शहर से भी आके आप बड़े बड़े से ड्रीम देख सकते हो। मैंने आपसे सीखा कि लाइफ में कुछ भी कभी भी कहीं भी हो सकता है, बस खुद पर भरोसा और ऊपर वाले पे भरोसा रखना चाहिए। मैंने आपसे सीखा कि लाइफ में जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, स्टिल उन्हें भी अच्छे से ट्रीट करो, क्योंकि वो एटलीस्ट थे आपको वहाँ तक पहुँचाने के लिए। सब कुछ मैंने आपसे सीखा। वही महेंद्र सिंह धोनी है जिसने क्रिकेट के मैदान पर सिक्स मारे हैं। ये वही महेंद्र सिंह धोनी है जिसने इंडिया को सारी ट्रॉफीज दिलाई। ये वही महेंद्र सिंह धोनी है जिसने अपने जूनियर हो या सीनियर हो सबकी इज्जत की। ये वही महेंद्र सिंह धोनी है जिसने कभी क्रेडिट नहीं लिया, हमेशा यंग वंस को आगे रख के उनको ट्रॉफी दिला दी। ये वही महेंद्र सिंह धोनी हो चाहे गम हो, चाहे खुशी हो, न्यूट्रल चेहरा रखा था। ये वही महेंद्र सिंह धोनी है जिसने इतना मैच जीतने के बाद भी डाउन टू अर्थ रहना नहीं छोड़ा। ये वही महेंद्र सिंह धोनी है जो नॉर्मल खेती करता है। ये वही महेंद्र सिंह धोनी है जो एक फैमिली मैन है। ये वही महेंद्र सिंह धोनी है जो एक ही चीज़ कहता है कि प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में जियो। हाँ जी दोस्तों, मैं वही जर्सी नंबर 7 महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रही हूँ, जो कि मेरी क्या बहुत से लोगों की क्रिकेट की उम्मीद है। जो होता है पिच पर तो हमको लगता है कि अभी रन बन सकते हैं, धोनी है तो मुमकिन है, माँ ही मार रहा है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, मेरे बाद भी कई आएंगे, मेरे बाद भी कई आते रहेंगे। नो धोनी, धोनी सिर्फ एक है, जर्सी नंबर 7 सिर्फ एक ही है, जो कि रिटायर हो चुका है। अब आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। यू आर द वन एंड यू विल बी द वन and only MST.